दिल्ली में झुग्गी के बदले मकान योजना एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि झुग्गी के बदले बनाए जा रहे मकानों का इस्तेमाल अब अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में किया जाएगा। दिल्ली में झुग्गियों के पुनर्वास को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अक्सर योजनाएं बनाती हैं। इसी के तहत दिल्ली में पिछले कई सालों से तकरीबन 47,511 मकान तैयार किए जा रहे हैं। कुछ मकान तैयार हो चुके हैं और कुछ का निर्माण जारी है, पर इससे पहले कि उन्हें झुग्गी वालों को आवंटित किया जाता, केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि इन तमाम मकानों का इस्तेमाल अब अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत किया जाएगा। कैबिनेट से डिसीजन किया और उन्होंने आदेश दिया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी ये 47,511 घर हैं जो कि बन चुके हैं या जिनमें थोड़ा बहुत काम रहता है या इनकम्प्लीट है, सभी घरों को स्लम्स के लिए ना देकर उन सबको अभी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंदर देना होगा। आज कुछ न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपी थी कि दिल्ली सरकार ये जिनके पैसे आ चुके हैं उनको भी देने रही है। हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी। केंद्र सरकार ने क्योंकि आदेश दिया है कि अब किसी को भी स्लम वाले को वो घर नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए जो तैयार भी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, उनको भी हम उनको नहीं दे पाएंगे। और ये पूरे के पूरे 47,511 हाउसेस को केंद्र सरकार ने कहा है कि इनको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए कन्वर्ट किया जाए। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली में झुग्गी के बदले मकान योजना पर पानी फिरता दिख रहा है। शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास अपनी जमीन नहीं है, लिहाजा आने वाले समय में न सिर्फ जमीन का संकट खड़ा होगा बल्कि मकान तैयार करने के लिए फिर से शुरुआत करनी होगी। स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिएगा, ये तो जितने भी बन रहे थे ना, अभी तक हमें लगता था कि काफ़ी सारे स्लम्स को हमने पूरी स्कीम बना रखी थी कि भाई जिनके पार्ट पेमेंट आ चुकी है उन सबको शिफ्ट कर देंगे। उसके अलावा भी हमने मैपिंग की थी कि जो 5 किलोमीटर की रेंज में है, थोड़ा पास में है, उनको भी जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए ताकि एक जगह शिफ्ट करेंगे फिर जगह खाली होगी तो वहाँ पर भी बना देंगे। तो इसकी वजह से अब दिक्कत तो आएगी, पर फिर भी इन सीटू करने की तैयारी की जाएगी। बात यह है कि इनमें से कुछ फ्लैट्स के लिए दिल्ली सरकार ने आवेदन भी जमा करा दिए हैं, लेकिन कुछ फ्लैट्स की डिमांड डीडीए ने अपनी जमीन से झुग्गियों के पुनर्वास के लिए की थी, पर फिलहाल ऐसे आवंटन का इंतजार और लंबा हो जाएगा। टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।